15 नवंबर को सिद्धार्थ मल्होत्रा की फिल्म मरजावा और नवाजुद्दीन सिद्दीकी की फिल्म मोतीचूर चकनाचूर रिलीज हुई। दोनों में से कोई भी फिल्म दर्शकों को सिनेमा घरों तक नहीं ला पाई। 15 नवंबर को दो हिंदी फिल्में रिलीज हुई। पहली मिलाप झावरी के निर्देशन में बनी मरजावा और देवामित्र बिस्वाल द्वारा निर्देशित मोतीचूर चकनाचूर। मरजावा फिल्म एक लव स्टोरी है जिसमें भर भर के एक्शन भी दिखाया गया है। ये फिल्म दर्शकों को कुछ खास पसंद नहीं आई और बॉक्स ऑफिस पर भी इसकी कमाई कुछ खास नहीं हुई। वेबसाइट बॉक्स ऑफिस इंडिया के मुताबिक मरजावा की पहले दिन की कमाई 7 करोड़ रुपए रही, दूसरे दिन भी इसकी कलेक्शन 7 करोड़ रुपए हुई और तीसरे दिन इस फिल्म ने 9 करोड़ 75 लाख रुपए की कमाई की। यानी ओपनिंग वीकेंड पर इस फिल्म की कुल कमाई रही 23 करोड़ 75 लाख रुपए। फिल्म को बनाने की कुल लागत 70 करोड़ रुपए है। इसी के साथ रिलीज हुई नवाजुद्दीन सिद्दीकी की फिल्म मोतीचूर चकनाचूर ने भी बेहद कम कमाई की। वेबसाइट बॉक्स ऑफिस इंडिया के मुताबिक मोतीचूर चकनाचूर ने पहले दिन सिर्फ 30 लाख रुपए की कमाई की, दूसरे दिन इसकी कलेक्शन 50 लाख रुपए रही और तीसरे दिन इसकी कमाई 60 लाख रुपए हुई। यानी पहले 3 दिन में फिल्म की कलेक्शन 1 करोड़ 40 लाख रुपए रही। फिल्म को बनाने की कुल लागत 20 करोड़ रुपए है। ये एक कॉमेडी फिल्म है जिसमें ड्रामा का तड़का दिया हुआ है। ललिता कश्यप, गो न्यूज़।